अस्सलामुअलैकुम छोटूस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी होस्ट जवेरी और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो छोटूस, आज आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ आ गए। हम आए हैं एट्रियम मॉल में। छोटूस, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पाकिस्तान में एक ऐसा मॉल है जहाँ पर सिनेमा, फूड कोर्ट, प्लेइंग एरिया, गेमिंग जोन और बहुत सी चीजें। तो छोटूस, यहाँ पर आप विजिट कीजिए, बहुत मजा आएगा। तो हम चलते हैं आपको लेकर। तो छोटूस, हम एटीएम मॉल में दाखिल हो चुके हैं। छोटूस देखिए, यहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी बच्चों की शूज मिल रहे हैं। तो यहीं पर ही आऊंगी शॉपिंग करने। ओ एलिफेंट, एक मिनट यहीं पर आइए, एक मिनट। ये देखिए छोटे एलिफेंट जा रहे हैं और ये टाइगर, कितने बच्चे खुशी खुशी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर शूज की शॉप है, टी शर्ट्स और सैंडल्स। मैं तो यहीं पर ही आऊँगी अब। तो छोटूस, यहाँ शूज की शॉप है और हम आगे जा रहे हैं। तो छोटूस, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शॉप्स बन रही हैं और कुछ खुल चुकी हैं। अभी और भी मॉल बन रहा है, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर बन चुका है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और भी बन रहे हैं। और छोटूस, वो देखिए वहाँ पर बुटीक है, कितना अच्छा, कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं यहाँ पर। और हम आगे जा रहे हैं। ओ वाओ, कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं यहाँ पर बच्चों के। तो छोटू, देख सकते हैं यहाँ पर बुटीक्स हैं, कितने अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पर। और हम आगे चलते हैं, ये भी शॉप है पीट की और शर्ट्स की, अच्छी लग रही है काफ़ी। ओ वाओ, टॉयस, इतने प्यारे टेडी बेयर्स हैं, शोपीस के शॉप्स हैं। और यहाँ पर वॉच है, प्यारी हैंड वॉच जो होती हैं। तो छोटूस, अब हम आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं रिजवान साहब के पास और उनसे पूछेंगे कि ये एट्रियम मॉल कब बना और इसमें कितना मज़ा आया। बनाते वक्त भी छोटूस मज़ा आता है, नई नई सब अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं कि ये होगा ये होगा। तो चलते, हम आ चुके हैं। तो छोटूस, ये हैं एटीएम के चेयरमैन यूनुस हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बस आज का जो आपकी विजिट थी एटीएम में, कैसी रही? बहुत मजा आया, अब तो मैं यहीं पर ही आऊंगी शॉपिंग करने। दिस प्लेजर फॉर अस। तो छोटूस, अब हम इनसे मिलते हैं, ये हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम एम इकबाल मछियारा है और मैं यहाँ का प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। ये प्रोजेक्ट मैंने डिज़ाइन किया है, मैंने बनाया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, सब अच्छा है। तो आपको यहाँ पर कुछ क्या होता है, जब आप प्रोजेक्ट बना रहे थे तो मुश्किलात पेश आई तो होंगी? कुछ कुछ मुश्किलात तो खैर बहुत पेश आती हैं और मगर मुश्किलात हल भी हो जाती हैं और अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी तरह से सब सेटिस्फाई हैं अपने। मोर देन सेटिस्फाई। तो प्रोजेक्ट बनाने में आपको कितनी मुश्किलात पेश आई? मुश्किलात अपनी जगह होती हैं लेकिन हल भी हो जाती हैं, अल्लाह का करम है, सब हल किया कर ली हैं। और अब इस वक्त ये पाकिस्तान का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपके हर चीज़ अवेलेबल है, खाना पीना, सिनेमाज, फूड कोर्ट और शॉपिंग, एवरीथिंग। तो आप, जैसे आपने प्रोजेक्ट बना लिया था तो आप सेटिस्फाई थे कि कराची में या पूरे पाकिस्तान में ये मॉल किस रैंक पर होगा? पहले दिन तो कोई भी नहीं होता लेकिन जब बन जाता है और जब लोग आते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं तो फिर इंसान जो है वो उस पर सेटिस्फाई होता है और इट्स माय बिग अचीवमेंट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो छोटूस, अब हम चलते हैं यहाँ पर सीओओ के पास, रिजवान मछियारा साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कैसे हैं आप? कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप हमें और हमारे छोटू उसको मॉल की हिस्ट्री बताएंगे? अब एट्रियम मॉल 2003 में शुरू किया था, इसकी कंस्ट्रक्शन 2004 में शुरू की थी, लॉन्च 2003 में किया था। 2009 में द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट, 2010 दिसंबर में द सिनेमाज वर लॉन्च्ड, 2011 के अगस्त के अंदर हमारा रिटेल और हमारा फूड कोर्ट वगैरह वो हमने स्टार्ट कर दिया था और अब माशाल्लाह मॉल बिल्कुल ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे, फर्स्ट फ्लोर पे कुछ दुकानें हैं हमारी जो बाकी रह गई हैं उस पर मेहनत हो रही है, इंशाल्लाह ताला वो भी अगले दो चार महीने में कंप्लीट हो जाएगा।
तो आपको जो इंटायर मिक्स ऑफ शॉपिंग एंटरटेनमेंट वो सारा का सारा मिक्स आपका कंप्लीट हो जाता है। ओह वेरी नाइस। तो छोटूस मैंने तो पहले सबसे सुना था कि एट्रियम मॉल ऐसा है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ मॉल ही नहीं यहाँ पर सिनेमा है, फूड कोर्ट है, गेमिंग जोन है, प्लेइंग एरिया है, लेकिन छोटूस अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे बहुत मजा आया है। तो हम इनसे पूछेंगे कि अपकमिंग का प्लान क्या है। जी अपकमिंग यही प्लान है कि आपके मुल्क में एंटरटेनमेंट और रिटेल को प्रमोट करना है। एट्रियम इज़ दी ओनली प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान जहाँ पे आपके पास एंटरटेनमेंट के वो सारे ऑप्शन हैं जो दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होते हैं। आप दुनिया में जाते हैं मॉल्स में जाके चार चार पाँच पाँच घंटे स्पेंड करते हैं, यहाँ पे आप मॉल्स में जाते हैं आधे घंटे के लिए कोई परचेज करते हैं और वापस आ जाते हैं। वजह यही है कि एंटरटेनमेंट के मिक्स पूरा नहीं, तो यहाँ एंटरटेनमेंट का भी मिक्स पूरा है और रिटेल का भी मिक्स अलहमदुल्ला पूरा है। यही चीज़ अब लेके इंशाल्लाह बाकी शहरों में जाएंगे पाकिस्तान के और सिनेमाज़ के डेवलपमेंट और मॉल्स के डेवलपमेंट इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल सही छोटू, बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ शॉपिंग मॉल ही नहीं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट के लिए। ओके तो ये प्रोजेक्ट बनाने में आइडियाज आपको किस किसने दिए। देखें कोई भी सक्सेसफुल स्टोरी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा साइंस लगाने की जरूरत नहीं होती, दुनिया में जाके स्टडी कर लें कि हो क्या रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और अपने मुल्क के अंदर उस हिसाब से अपने कल्चर अपने इकोनॉमिक्स के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करके उसको बना दें। दुनिया में जितने भी मॉल्स बन रहे हैं, इंडिया में बन रहे हैं, दुबई में बन रहे हैं, अमेरिका में बन रहे हैं, हर जगह पे उस सब इसी ट्रेंड पे बन रहे हैं। कोई 20 साल का मॉल नहीं बना होगा जहाँ पे प्रॉपर एंटरटेनमेंट ओरिएंटेशन सिनेमा या सिनेप्लेक्स ना हो। तो हमने भी यही किया, हमारी टीम्स गई मलेशिया गई दुबई गई सिंगापुर गई जाके मॉल्स को स्टडी किया और यहाँ पे लाके रेप्लिकेट कर दी। ओह वेरी नाइस, दिस इज अ वेरी क्रिएटिव आइडियाज। तो छोटूस मुझे यहाँ पर बहुत मजा आया, ये मॉल वाकई में बहुत अच्छा है। छोटूस यहाँ पर बहुत सारी मजे की चीजें हैं और बहुत इंजॉय भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं यहाँ पर हम सिर्फ शॉपिंग करना है, यहाँ पर हम घूमने भी आ सकते हैं, फूड कोर्ट भी आ सकते हैं, गेम भी खेलने आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो छोटूस अब हम चलते हैं प्ले पॉट एरिया की तरफ और दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर छोटूस कितनी मस्ती और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। छोटूस हम चल रहे हैं प्ले पॉट एरिया की तरफ और हम यहाँ से जा रहे हैं फूड कोर्ट एरिया। यहाँ पर सब खाना खा रहे हैं, बच्चे बड़े सब, और आप देख सकते हैं छोटूस यहाँ पर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं सब। वाओ कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर सबको, हमें भी देख देख के मज़ा आ रहा है छोटूस। तो छोटूस हम प्ले पॉट एरिया की तरफ आ गए हैं, यहाँ पर सारे पेरेंट्स अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर आए हैं वहाँ पर उनको एंजॉय करवाने। खुद पेरेंट्स यहाँ पर मज़े से फूड कोर्ट में खाना खा रहे हैं और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। छोटूस यहाँ पर फूड कोर्ट है, सब खाना खा रहे हैं। ओ छोटूस यहाँ पर मुझे लाइन नज़र आ रही है, आप ज़रा देखिए वहाँ पर सिनेमा है, तो हम वहाँ पर लेके चलते हैं आपको सिनेमा की तरफ। छोटूस आप देख सकते हैं ये है GHQ गेमिंग जोन। आपको तो पता है गेमिंग जोन में क्या होता है, सब गेम्स खेलते हैं, कोई बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, फाइटिंग गेम्स होते हैं, रेस होती है कार रेस, बहुत मज़ा आता है छोटूस। छोटूस यहाँ पर तो यम्मी मज़े की आइसक्रीम्स हैं आप देख सकते हैं छोटूस। मुझे भी बहुत दिल चाह रहा है कि मैं आइसक्रीम खाऊं, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, मैं शो के बाद खाऊंगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इतनी अच्छी अच्छी ड्रिंक्स हैं और ये हैं केक मज़े के। तो छोटू साहब मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर लंबी लाइन लगी है टिकट के लिए, और कुछ लोग जो है 2D कुछ लोग 3D मूवीज़ देखेंगे यहाँ पर। तो छोटू हम यहाँ पर लोगों से पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो छोटू हम प्ले पॉट एरिया में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे छोटू मज़े से खेल रहे हैं, तो हम इनसे भी ज़रा कुछ गपशप करते हैं। तो छोटूस इतने प्यारे प्यारे छोटूस यहाँ पर बैठे हैं, हम इनसे बहुत मज़े की बातें करेंगे, इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर क्यों आए ये, और इनसे मज़े की बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? अच्छा क्या नाम है आपका? हुसैन। यहाँ पर क्या करने आए हो? खेलने आए हो? यहाँ पर सबसे अच्छा खेल वाला स्लाइडिंग तो सबको अच्छी लगती है। अच्छा ये बताओ यहाँ पर कितना मजा आता है? ज्यादा। बहुत ज्यादा या ज्यादा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अपने बहन भाइयों के साथ आए हो या अकेले? अकेले। पापा के साथ? पापा के साथ। ओ बाबा के साथ। अच्छा व्हाट्स योर नेम? हुदा। हुदा आप यहाँ पर खेलने के लिए आई हो? जी।
अच्छा, सिस्टर के साथ आई हो या कजन्स के साथ? कजन्स के साथ। कजन्स के साथ, अपनी कजन्स को लेकर आओ, सही है, जब तक मैं इनसे बात करती हूँ। अच्छा, कोई पोयम आती है अच्छी सी? कोई भी उर्दू, इंग्लिश, कोई भी पोयम? कोई नहीं आती। अच्छा, कोई नहीं आती। और क्या कर रहे थे, करके दिखाओ। लिख रहे थे ऐसी टेढ़ा मेढ़ा, यूं यूं करके लिख रहे थे। चलो आओ, मैं भी टेढ़ा मेढ़ा लिखती हूँ। चलो मैं इसमें लिखती हूँ, ला 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 ला। सही, ये मैं हुसैन अब्बास बनाती हूँ, ठीक है? ये हुसैन है, सही है ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, और ये आपकी कजन है? क्या नाम है आपका? काजमा। जुमा, पोयम आती है आपको? सुनाइए, आप दोनों मिलके सुनाइए अच्छी सी पोयम। The ants go marching one by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one. The little one stops to suck his thumb, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. The ants go marching two by two, hurrah, hurrah. The ants go marching two by two, hurrah, hurrah. The ants go marching two by two. The little one stops to suck his shoe, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, boom, boom. The ants go marching three by three. Hurrah, hurrah. The ants go marching three by three. Hurrah, hurrah. The ants go marching three by three. The little one stops to suck the tree, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, boom, boom. The ants go marching four by four. Hurrah, hurrah. The ants go marching four by four. Hurrah, hurrah. The ants go marching four by four. The little one stops to shut the door, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, boom, boom. The ants go marching five by five, hurrah, hurrah. The ants go marching five by five, hurrah, hurrah. The ants go marching five by five. The little one stops to suck the hive, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, boom. The ants go marching six by six, hurrah, hurrah. The ants go marching six by six, hurrah, hurrah. The ants go marching six by six. The little ones stop to stop the pigs, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, boom, boom. Wow, बहुत अच्छी है, clapping. बहुत अच्छी poem सुनाई है. और क्या होता है, किस किस चीजों में interest? ड्राइंग में। ड्राइंग में, अच्छा हुसैन, हमारे लिए ड्राइंग लाए हो? कोई कहाँ है? ओ, यहीं पर रखी हुई है। वाओ, ये बताओ क्या क्या है? ये सी वर्ल्ड है, इसमें सारे एनिमल सारे गाड़ी है। वाओ, ये इतनी अच्छी गाड़ी बनाई है हुसैन अब्बास, ये आपने खुद ही बनाई है? और ये सी वर्ल्ड भी आपने खुद ही बनाया है? आपने कहीं से देख के नहीं बनाया? वाओ, आपकी ड्राइंग तो वाकई में बहुत अच्छी है। ये भी आपने बनाया है? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? टू मेरी खत्म हो गई, तो अभी छुट्टियां चल रही हैं। अभी छुट्टियों के बाद मैं थ्री में जाऊंगा। अच्छा, छुट्टियों के बाद थ्री में जाओगे। और कोई गाना सुनाओगे? नहीं। कोई अच्छा सा गाना सुना दो। नहीं, कोई भी गाना नहीं आता। अच्छा, और ये बताओ, मम्मा अच्छी लगती हैं या पापा? मम्मा। मम्मा, पापा क्यों नहीं? पता नहीं। पता नहीं, पापा डांट देते होंगे ना, और मम्मा डांटती नहीं होंगे, पापा मना करते होंगे, देखो बेटा ये नहीं करो, ये बुरी चीज है ना? कभी कभी, तभी तो। अच्छा, और ज्यादातर मम्मा घुमाने लेके जाती हैं या पापा? पापा। अच्छा, पापा घुमाने लेके जाते हैं और मम्मा ज्यादा अच्छी लगती हैं, ये तो फिर गलत बात है ना। अच्छा, अब हम खेलेंगे, सही है? आओ, चलो रिंगर रिंगर हो जाए।